कैसे बनाते हैं आंवला का जूस देखिए। इसके लिए मैंने 300 ग्राम आंवला लिया है और उसके छोटे छोटे पीस कर दिए हैं और उसके सीड्स निकाल दिए हैं। अभी हम इसे पीसेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और इसे पीसना है। अभी थोड़ा और पानी डालना है और पीसना है। अभी ये पीस गया है। ये थोड़ा बुरबुरा ही रहता है। आप आंवले को कभी भी कांच के बर्तन में ही रखना है। हम इसे 7 दिन के लिए स्टोर करके रखेंगे। अभी मैं आंवला का जूस बना रही हूँ। इसके लिए 2 स्पून मिश्री ली है, चाट मसाला, 1 ग्लास पानी, आधा लेमन। अभी 1 स्पून आंवला का पेस्ट डालेंगे, आधा लेमन, 2 स्पून मिश्री, चाट मसाला स्वाद के अनुसार, 1 स्पून डाल देते हैं। इसे टेस्ट करना है। थोड़ा सा चाट मसाला कम है और डाल देते हैं। आंवले के जूस में आप हनी या गुड़ दोनों ऐड कर सकते हो। अभी हमारा आंवला का जूस बनके तैयार हो गया है। ये पेस्ट आपको फ्रीज में रखना है 7 दिन के लिए। ये खराब नहीं होता है 7 दिन में, उसका टेस्ट भी चेंज नहीं होता है। मैं ऐसा क्यों करती हूँ, क्योंकि एक एक आंवला पीस नहीं सकते हैं, इसलिए मैं साथ में ही पीस के रख देती हूँ 7 दिन का, ताकि इजी से हम जूस बना के पी सकते हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, इसमें विटामिन सी होता है। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना और शेयर करना ना भूले। थैंक यू। आज मैं ऑरेंज का फ्रेश जूस बना रही हूँ। चलिए बनाना शुरू करते हैं। 3 ऑरेंज, 1 छोटा स्पून सोख किया हुआ सिया सीड्स, 2 टेबलस्पून मिश्री, 1 ग्लास पानी। ऑरेंज का छिलका निकाल दिया है और इसके 2 हिस्से कर दिए हैं और शीर्ष अंदर ही रखे हैं। मैंने एक जूस बनाने का जार लिया है, इसमें ऑरेंज को डाल देंगे। एक ग्लास पानी डालेंगे, ऑरेंज को पीस लेंगे। ऑरेंज को 30 सेकेंड्स पीसेंगे। यदि आप इसे ज़्यादा पीसेंगे तो जूस कड़वा पड़ जाएगा। सीड्स को हमें नहीं पीसना है। मैंने एक बाउल लिया है, इस पे छलनी रख देंगे। ये बड़े होल की छलनी है और जूस को इसमें डाल देंगे और छान लेंगे। ऑरेंज का जूस बनाना बहुत ही आसान है। मैंने सीड्स को नहीं पीसा है। ये ऑरेंज का कचरा निकला है, इसे हम बाहर फेंक देंगे। उसी मिक्सी जार में हम जूस को डाल देंगे। दो टेबल स्पून मिश्री, मिश्री को डाल के पीस लेंगे। 10 सेकेंड्स के लिए पीसेंगे। ऐसा करने से जूस हमारा तिक्त लगेगा। 1 छोटा स्पून सिया सीड्स, जिसे हमने सोक कर दिया था, ये भी इसमें डाल देंगे। ढक लगा के अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऑरेंज का जूस बन के तैयार है। अब हम सर्व करेंगे और इस पर चाट मसाला डाल देंगे। ऑरेंज के जूस की रेसिपी आपको पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कीजिए। कैसे बनाते हैं मिंट का जूस देखिए। यह हमारा घर का मिंट है। अब हम मिंट को तोड़ने वाले हैं।
अभी हम मिंट लीव्स को स्टेम से अलग कर देते हैं। अभी हम मिंट लीव्स को धो देते हैं। और 2 मिनट के लिए ऐसे रख देते हैं। अभी हम मिंट को धो दिया है। अभी हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे। मैंने 2 नींबू लिया है। अभी हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे, 1 स्पून जलजीरा, आधा स्पून चाट मसाला, आधा स्पून नमक, और इसमें हम अभी जागरी ऐड करेंगे, 1, 2, 3, फोर, फाइव, सिक्स, 7, 8 स्पून। हमने इसमें 8 स्पून ऐड कर दिया है जागरी। अभी हम इसमें अदरक डाल देंगे, इसका मैंने छिलका निकाल दिया है। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। और इसको ब्लेंड कर देंगे। अभी हम इसमें पूरा पानी डाल देंगे। और फिर से ब्लेंड कर देंगे। अभी हम इसको फिल्टर कर देंगे। अभी हमारा मिल्क जूस तैयार हो चुका है। मेरा वीडियो ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।